के चलते लखनऊ के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक नीरज वोरा पहले दिन से गरीब लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। विधायक ने बताया कि क्षेत्र में 5 मशीनों ने सैनिटाइजर छिड़काव किया है, वहीं गरीबों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है। इसके साथ ही नए राशन कार्ड बनाने का काम भी जारी है। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने विधायक से खास बातचीत की। लखनऊ उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज वोरा जी आज हमारे साथ में हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ काम किए गए हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं। सर, जन टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपके द्वारा लगातार क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं, इसके चलते देखिए कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी पूरे दुनिया को सता रही है, ऐसे अपने देश में भी इस पर बहुत बड़ा संकट आया है। इस संकट के काल में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी लोगों की सुध ली है, लोगों का चिंतन किया है, लोगों की मदद के लिए योजनाएं बनाई हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने भी बहुत प्रयास किया है, और शायद वही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में संक्रमण की संख्या कम है और हम उत्तर प्रदेश जो कि भारत के 1/6 आबादी रखता है वहाँ पर फिर भी हम अपने आप को ये मान सकते हैं कि हमने काफ़ी कुछ हद तक कंट्रोल में रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास हम लोगों ने भी किया। अपने क्षेत्र के अंदर हमने अपनी तरफ से भी लगभग 20,000 परिवारों को राशन की किट प्रदान करी। माननीय सांसद जो कि भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ जी के द्वारा भी सबको राशन किट उपलब्ध कराई गई। राशन किट उपलब्ध कराने का कार्य हम लोगों ने किया। हमने अपनी पुरानी निधि के अंतर्गत क्षेत्रीय विकास निधि से 5 टैंकर सैनिटाइजेशन के लिए नगर निगम को दिए, जिससे पूरे क्षेत्र में भरपूर सैनिटाइजेशन का कार्य हो सके। लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलती है, सैनिटाइजेशन हो जाता है, तो पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजेशन का कार्य निरंतर जारी है। सर, जो श्रमिक आए हैं बाहर से आए हैं आपके क्षेत्र में, उनके हमारे यहाँ श्रमिक जो आए थे वो क्वारंटीन में उनको रखा गया था, और क्वारंटीन की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी सरकार ने की थी। स्थानीय स्तर पर इस क्षेत्र में जितने भी आसपास के कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैनेजमेंट कॉलेज हैं, उन सबका चयन किया गया था, वहाँ पर रोका गया था लोगों को, वहाँ पर उनके रहने की भोजन की सब व्यवस्थाएँ की गई थी, सुनिश्चित की गई थी। और श्रमिक जो है यहाँ से श्रमिक गया बहुत, क्योंकि ये राजधानी है, यहाँ पर लोग बहुत लोग काम करने आते हैं दूर दराज से, आसपास के जनपदों से, वो श्रमिक धीरे धीरे वापस गए। जब तक श्रमिकों का प्रवास लखनऊ में रहा या लखनऊ से गुजरे तब तक सबको भोजन का सुनिश्चित व्यवस्था की जाए, ये सुनिश्चित किया गया सरकार की ओर से भी, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भी, हम सबके द्वारा कार्यकर्ताओं के माध्यम से। सर, जन टीवी के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों के कोरोना जैसी महामारी से बीच बचने के लिए क्या निर्देश देना चाह रहे हैं? मैं जन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम कर रहे हैं, और अपने क्षेत्र के सभी लोगों से यही कहूँगा कि घबराएं नहीं। कोरोना एक महामारी बीमारी ज़रूर है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम कोरोना से जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज वोरा जी, जो लगातार अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, लॉकडाउन में भी गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, और अभी तो इन्होंने 5 सैनिटाइजर की मशीनें दे रखी हैं जो अपने क्षेत्र में पूरी तरह से चल रही हैं। मैं जन टीवी से धीरू सिंह, लखनऊ।